हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों ये इस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन का पार्ट नंबर एटीन है और ये सेकंड लास्ट पार्ट है इसके बाद सिर्फ एक लास्ट पार्ट बच जाएगा साथ ही दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों तो ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले ड्रामाज की अपडेट भी आपको मिलती रहे साथ ही वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी क्या एपिसोड में हमने देखा था ये बिना बताए कमरे में आकर के सो गया था और जीवन अब उसे देख करके काफी ज़्यादा रोने लगती है लिये पूछता भी है आखिरी क्यों रो रही हो शांत हो जाओ प्लीज पर जीवन शांत ही नहीं हो रही थी ये लोग नीचे डाइनिंग टेबल पे आके भी बैठते हैं पर जीवन तो रो ही जा रही थी और ली इसे देख रहा था अब वो इसे नैपकिन देता है कहता है शांत हो जाओ मैं तुमसे माफ़ी मांग तो रहा हूँ जीवन शांत होने का नाम नहीं ले रही थी और ली बोलता है मैं रूम में जाके सो गया तो तुम्हें इतना ज्यादा बुरा लग गया कि तुम रो ही जा रही हो जीवन कहती है मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ ली पूछता है फिर किस लिए रो रही हो तुम जी बोलती है मुझे लगा तुम तो मुझसे बिना गुड बाय बोले फिर से चले गए हो यून रोते रोते बोल रही थी इसलिए ली को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था वो बोलता है क्या बोला दोबारा से बोलना जरा जी बोलती है भूल जाओ बिल्कुल भूल जाओ जाओ जाके सो जाओ ली बोलता है अरे चिल्ला क्यों रही हो तुमने तो मुझे डरा ही दिया ली जी उनसे बोलता है देखो मुझे घर वापस थोड़ी ना चाहिए मैं तो बस यहाँ तब तक रहना चाहता हूँ जब तक मेरा कहीं और रहने का इंजाम नहीं हो जाता तो क्या तुम मुझे रहने दोगी जीउन मना कर रही थी ली बोलता है तुम्हें नहीं लगता है? ये बहुत ज़्यादा अनफेयर हो रहा है मेरे साथ क्यों मुझे धक्की मार के घर से बाहर निकालना चाहती हो क्या मेरे को देखना है? तुम्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा जीउन कहती है ऐसी बात नहीं है ली पूछता है फिर प्रॉब्लम क्या है जियन बोलती है तुम जाओ जाके अपने फादर से माफ़ी मांगो ली बोलता है क्या जियन बोलती है मैं भली तुम्हारे पेरेंट्स से कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ लेकिन मैं उनसे दोबारा नहीं मिल सकती हूँ पर तुम तो मिल सकते हो तुम उनसे माफ़ी मांगो वो तो मैं माफ़ कर देंगे जियन कहती है ये अनफेयर है तुमने वाकई मुझे बुरा बना दिया है अब आगे ली तो वही सोच रहा था जो भी जियन ने उससे कहा था वहीं जियन तो खुश थी क्योंकि ली वापस जो आ गया था अगले दिन ली काफ़ी हिम्मत करके उसके डैड के पास पहुंच जाता है और उसके डैड तो उसे देख करके हैरान हो गए थे अब वो उसे सीधे पूछते हैं आज से पहले तो कभी नहीं आए तो फिर आज आना कैसे हुआ ली भी साफ बोलता है मैं आपसे माफी मांगने के लिए आया हूँ मैंने गलत किया था मुझे माफ कर दीजिए अब ली की फादर उससे बोलते हैं कि तुम्हें सच्ची में रियलाइज हो गया है तुम गलत हो इसलिए तुम माफी मांगने आए हो ली कहता है सच बताऊँ तो नहीं उसके फादर बोलते हैं फिर क्यों आए हो ली बोलता है क्योंकि जीवन चाहती है कि मैं आपसे माफ़ी मांगूँ मैं यहाँ पे आया हूँ उसकी गलती नहीं है झूठ तो मैंने बोला था तो प्लीज आप जीवन को माफ़ कर दीजिए और उसे एक्सेप्ट कर लीजिए फादर पूछते हैं क्या तुम जी से प्यार करते हो ली हाँ बोलता है फादर बोलते हैं अरे जब तुम उससे प्यार करते थे तो शुरू में सीधे शादी करते ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का क्या ड्रामा है बोलता है उस टाइम पे मैंने नहीं सोचा था कि मुझे उससे प्यार भी हो जाएगा अब फादर बोलते हैं तो फिर अब क्या करोगे तुम क्या शादी करोगे जियन से ली बोलता है हाँ मैं उससे शादी करूँगा और दोबारा उसे कभी भी नहीं खोगा अब इसके बाद ली पहुँच गया था जियन के लिए रिंग लेने के लिए अब ली ने रिंग खरीद ली थी और उसके बाद वो जियन के पास जाता है और जा के कहता है तुम्हें नहीं लगता घर गंदा हो गया है इसे साफ़ करना चाहिए इसके पास सफाई के अलावा और कुछ है ही नहीं जिन्ह कहती है तुम मेरे ऊपर छोड़ दो मुझे क्या करना है ये बताओ सुबह कहाँ गए थे ली बोलता है एक्सरसाइज के लिए जिन् कहती है एक्सरसाइज के अलावा तो कुछ आता भी है ली बोलता है जिन मैंने डोंगी से अपना सारा सामान यहाँ पे मंगवा लिया है जिन कहती है भला क्यों क्या तुम यहाँ से जाने वाले नहीं हो ली बोलता है नहीं मैं नहीं जाऊँगा ज्यून कहती है कैसे लिया तुमने ये डिसीजन ली बोलता है तुमने ही तो कहा था अगर मैं फादर से माफ़ी मांगूंगा तो मुझे नहीं जाना पड़ेगा जिन कहती है क्या तुम सच में फादर के पास गए थे ली हाँ बोलता है जून कहती है तो फिर उन्होंने क्या कहा कहता है मैंने माफ़ी मांगी तो उन्होंने मुझे बहुत मारा देखो यहाँ वहाँ हर जगह मारा है जून कहती है दिखाओ जरा कहाँ पर मारा है लगता तो नहीं है उन्होंने तुम्हें मारा है अब ली बोलता है जून मेरे साथ ना कल डिनर पर चलना जून कहती है भला क्यों ली बोलता है मुझे तुम्हें कुछ बताना है जी उन कहती है जब कोई ओकेजन नहीं है तो क्यों बाहर जाना है जो भी कहना है चुपचाप यहीं कह दो और वैसे भी तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं है अब तो पैसे संभाल के रखो खुद तो तो इसकी बातों पे गुस्सा आ रहा था पर तभी जियन को मेन्यू का कॉल आ जाता है वो वैसे कह रहा था तुमने तो खाना नहीं खाया है तो मैं आ रहा हूँ जी कहती है कहीं तुम आ रहे हो यहाँ पर तो लिया है मीन्यू हैरान था कहता क्या वाकई लिया है चलो मैं उससे भी मिल लूँगा इधर तो जियन का मुँह तर गया था तो ली पूछता है क्या मेन्यू था जियन हाँ बोलती है ली कहता है क्या तुम मुझसे अभी भी डेट रही हो जून बोलती है क्या कहा तुमने ली चिल्ला के बोलता है क्या अभी भी तुम मुझे डेट रही हो कहती है चिल्ला क्यों रहे हो हाँ कर रही हूँ डेट तुम्हें तो क्या है अब दोनों अलग हो बैठ गए थे और मीनू के आने पे ही गेट खोलने जा रही थी परली उसे रोक के खुद गेट खोलने जाता है मीनू कहता है बहुत टाइम हो गया तुम्हें देखे हुए अब वो अंदर आ गया था और मिनयू और जून साथ में मिल के स्वेग बना रहे थे मैं देखिए ली तो जल्स हो रहा था जून से बोलता है मैं स्पेगेटी नहीं खाता हूँ मुझे तो राइस चाहिए जून कहती है राइस नहीं है क्या तुम रेमन खाओगे ली कहते हैं तुम्हें पता है ना मैं नहीं खाता हूँ रैमिन जून कहती है फिर तो तुम्हारे खाने के लिए कुछ भी नहीं है सारी ली को खुद ही खाना बनाना पड़ता है अब वो गुस्से में जून से बोलता है तुम मेरी सीट पे बैठ गई हो जून बोलती है कहीं और बैठ जाओ इतनी सारी सीट है ली गुस्से में खाना खा रहा था तो मिनीू गुस्से बोलता है कहाँ छुपे हुए थे तुम क्या तुम्हें और कोई मूवी नहीं करनी है ली बोलता है अच्छा प्रोजेक्ट मिलेगा तो जरूर करूंगा मीनू बोलता है तुम तो मेरे साथ काम कर लो ली बोलता है तुम तो और भी एक्टर को खरीद सकते हो फिर तुम्हें तो मेरे साथ क्यों काम करना है मीनू बोलता है क्योंकि राइटर चाहती है तो रखना ली बोलता है राइटर कौन है मीनू बोलता है जून। ली तो हैरान हो गया था नो थैंक्स मैं कोई भी ऐसी पिक्चर नहीं कर लेता हूँ जीवन बोलती है तुमने स्टोरी पढ़ी भी नहीं है ली बोलता है पढ़ने की जरूरत भी नहीं है तुमने लिखी है तो बेकार ही लिखी होगी जिहून बोलती है अगर स्टोरी अच्छी हुई तो तुम फिर रिग्रेट मत करना कहता है मैं नहीं करूंगा रिग्रेट करो जो भी तुम जैसे मुर्गे राइटर लिख सकते हैं जिहन बोलती है गलती तो मेरी हो गई थी जो मैंने तुम जैसे मुर्गे एक्टर से पूछ लिया काम करने के लिए ली बोलता है तुम मेरी चिंता मत करो जिहन कहती है तुम्हारी चिंता कर भी कौन रहा है अब इनका झगड़ा शांत कराने के लिए मीनिक को बीच में बोलना पड़ता है मीनू ली से बोलता है ली तुम हमेशा के लिए यहाँ पे नहीं रह सकते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूँ नई जगह ढूंढने के लिए ताकि तुम जल्द से जल्द शिफ्ट हो पाओ ली बोलता है बता तुम्हें क्या पढ़ी है मुझे यहाँ से शिफ्ट कराने की मीनूक बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि कोई और इंसान मेरी वुमेन के साथ यहाँ पे रहे ली हैरान हो गया था और जून भी आगे जून स्क्रिप्ट पकड़ के ली के बारे में बड़बड़ा रही थी बाहर देखती है तो ली और मीनूक साथ में खड़े थे मीनूक ली से बोलता है एक बार स्टोरी पढ़ लो फिर डिसाइड करना ली बोलता है तुम तो मेरे साथ काम नहीं करना चाहते हो गे बोलता है काम के लिए तो करना पड़ता है वो ली से बोलता है मैंने जियन को प्रपोज किया है ली हैरान होकर बोलता है तो फिर क्या कहा उसने मीनू बोलता है उसने कहा भी उसकी डिवोर्स को टाइम नहीं हुआ है इसलिए मुझे वेट करना होगा लेकिन फिर वो ली से बोलता है देखो तुमने अगर उसे छोड़ ही दिया है तो फिर यहाँ से चले जाओ उसकी ज़िंदगी में दोबारा मत आओ तुम उसे फिर से वही सब पेन देना चाहते हो तुम चले जाओ जब तुम उसे जाने दोगे तभी तो वो मेरे पास आएगी मीनू के यहाँ से जा रहा था और ली तो बस यही सब सोच के परेशान हो गया था भी अकेला बैठा हुआ था जियन उसे देख लेती है अब वो उसके पास आती है उसे पूछती है ली क्या तुम्हें कोई परेशानी है बोलता है मुझे परेशान मत करो चुपचाप जब जाके सो जाओ जीन बोलती है ली सच सच बताओ क्या तुमने डैड से माफ़ी मांगी थी तुम्हें माफ़ कर दिया ली हाँ बोलता है जी उन बोलती है ठीक है फिर कल हम लोग पेरेंट्स के यहाँ पे चलेंगे ली बोलता है भला क्यों जाना है जी उन बोलती है अरे उन्हें थैंक यू बोलने के लिए उन्होंने तुम्हें माफ जो कर दिया वहाँ जाएंगे अच्छे से खाएंगे पियएंगे रहेंगे ली बोलता है भला क्यों जाना चाहती हो तुम वहाँ पे क्या वो लोग तुम्हारी फैमिली है जी उन बोलती है क्या ली बोलता है वो तुम्हारी फैमिली नहीं है क्या तुम भूल गई हो तुम्हारा और मेरा डिवॉर्स हो चुका है ली बोलता है कल मैं घर शिफ्ट कर दूंगा कहती है इतनी अचानक से क्यों कल तक तो तुम मना कर रहे थे ली बोलता है मैंने सुना है तुम तो मिनीक से शादी करने वाली हो जून यहाँ पे मना कर ही रही थी लेकिन ली सुन नहीं रहा था वो बोलता है तुम्हें तो पता है जब मैंने सुना था मिनीुक ने तुम्हें छोड़ दिया है तो मुझे बहुत हर्ट हुआ था लेकिन वो तो तुमसे बहुत प्यार करता है कुछ बोलना चाह रही थी पर ली बोलता है जब तुमने पहली बार कहा था तुम मिनीयुक्क के पास जा रही हो तो मुझे बहुत हर्ट हुआ था खैर कोई बात नहीं तुम्हारे लिए अच्छा है जून हैरान थी इसकी बातों से ली बोलता है मुझे कभी समझ नहीं आया कि मिनुक जैसे रिच हैंडसम एंड टॉल लड़के को तुम जैसी जिद्दी और मैसी गर्ल में क्या पसंद आया खैर तुम चिंता मत करो उनकी फैमिली ना थोड़ी स्ट्रिक्ट है पर मेरी दादी माँ जितनी नहीं तुम सब कुछ संभाल लोगी तुम चिंता मत करो जीवन की बातें तो ऐसी लग रही थी जैसे जी उनकी विदाई पे उसे आशीर्वाद दे रहा है बाकी जीवन परेशान हो गई थी लिखी बातों से वहीं ली भी रिंग देख करके परेशान हो रहा था अगली सुबह जीवन उठती है ये फ्रिज पे फिर से एक नोट था जिस पे लिखा था जीवन अपना ध्यान रखना और हम मुर्गे सोते मत रहा करो एक्सरसाइज भी कर लिया करो अब जीवन तुरंत ली के रूम की तरफ भागती है ली वहां पे नहीं था वो तो चला गया था जीवन इमोशनल हो गई थी खैर आगे वो मीनू को मिलने के लिए बुलाती है मीनू को बता देती है किली आज सुबह ही चला गया है मीनू बोलता है तो कहाँ गया वो जून बोलती है पता नहीं कहीं गया होगा पहाड़ों में या फिर समुंदर पे मैं तो सो रही थी बिना बताए चला गया स्ट्रेंज है गुड बाय तो बोल के जाना चाहिए था मीनूक उससे बोलता है तुम तो उससे दोबारा मिल सकती हो जून बोलती है पता नहीं कब मिलूंगी उससे दोबारा और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा कह रही थी मैं हमेशा उसका इंतजार करती हूँ जब वो मेरे पास नहीं होता मुझे पता होता है कि शायद वो नहीं आएगा फिर भी उसका इंतजार करती हूँ रोकने की कोशिश करती हूँ खुद को पर नहीं रोक पाती ऐसा नहीं है कि मैं उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ पर जब वो नहीं होता तो मुझे अजीब सा लगता है इसलिए इंतजार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है तो अब से तुम तो मेरा इंतजार मत करना मीनिक बोलता है क्या हुआ जून जून बोलती है मुझे माफ़ कर दो मुझे तुम्हें शुरू में ही बोलना चाहिए था कि तुम मेरा इंतज़ार मत करो पर मैं तुमसे अब बोल रही हूँ जीन ने इसका दिल तोड़ा था लेकिन लगता है इसका दिमाग खराब हो गया ये हंसने लगा था जी घर पे वापस आती है तो वो देखती है कि ली घर पे वापस आ गया है वो उसके पास जाती है बैठती है और उससे पूछती है तुम तो सुबह चले गए थे ली बोलता है नहीं वो तुम्हें कुछ बताना रह गया और कुछ देना भी जीवन कहती है तो तुम क्या भूल गए थे हिम्मत करके जीवन से बोलता है जी मैंने खुद से कहा था कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं कहूँगा लेकिन फिर मैं तुम्हें छोड़ के चला गया बहुत अनफेयर किया मैंने खुद के साथ मैं खुद से बहुत नाराज हुआ था फिर मैंने कहा अब ऐसा कुछ नहीं चलेगा मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं कहूँगा जियन कहती है क्या ली कहता है मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है जियन सही कहती हो मैं किसी को क्या, क्या प्रोटेक्ट करूँगा मुझे तो किसी से प्यार करना भी नहीं आता और प्यार का इजहार करना भी नहीं आता तो अब से मैंने सोचा है तुम जो भी मुझसे कहोगी मैं वो करूँगा तुम मुझसे कहोगी नाचो तो मैं नाचूंगा तुम कहोगी गाओ तो मैं गाऊँगा तुम, तुम कहोगी चुप हो जाओ तो मैं चुप हो जाऊँगा जो भी कहोगी मैं वो करूँगा तो अब ली रिंग निकाल के जियन को दिखाता है जीवन बोलती है ये क्या है ली बोलता है अरे दिखता नहीं है तुम्हें ये रिंग है अब ली जियन से बोलता है चलो शादी करते हैं क्या तुम मुझसे शादी करोगी जीवन तो हैरान और इमोशनल हो गई थी ली पूछा था क्या शादी करोगी तुम मुझसे अब जीवन तो सोचने लगी थी और काफ़ी सोचने के बाद वो ली से बोलती है इतनी अचानक से क्यों बोल दिया बहुत स्ट्रेंज है ये ली गुस्से में बोलता है अरे क्या स्ट्रेंज है इसमें बोलती है तुमने पहले कहा कि मीनू के साथ खुश रहना फिर तुम गायब हो गए और अब अचानक से आके ये कह रहे हो तुम तो बहुत जल्दी बातें बदल रहे हो ली बोलता है मैं बातें नहीं बदल रहा मुझे लगा था इस सिचुएशन में यही करना ठीक होगा सब बातें छोड़ो और ये बताओ क्या तुम इसे एक्सेप्ट कर रही हो या फिर नहीं क्या तुम तो मुझसे शादी करोगी जून बोलती है अच्छा मैं सोच के बताती हूँ वो वहाँ से भाग जाती है परेशान ली अंदर जाके बोलता है क्या ये सब कुछ मीनू की वजह से है जून बोलती है अरे नहीं नहीं हमने तो अच्छा दोस्त बनने का डिसाइड किया है ली खुशी के बोलता है अच्छा तो ये बताओ क्या मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ जिन्न बोलती है नहीं नहीं ऐसा नहीं है मैं तुम्हें तो सोच के जवाब दूंगी ली बोलता है अच्छा तो ये बताओ कब तक जवाब दोगी जीवन बोलती है एक एक हफ्ते में दूंगी बोलती है ये तो बहुत लंबा हो जाएगा जियन बोलती है तीन दिन में ली बोलता है बिल्कुल नहीं कल तक जवाब दे देना मुझे जीवन बोलती है क्या ली बोलता है हाँ कल मुझे जवाब चाहिए अब ये वहाँ से जाते वक्त भी जीवन से बोल के जाता है देखो देखो घर गंदा हो रहा है चलो इसे साफ करो अगली सुबह ली जियन के रूम के बाहर जाता है और उसे कहने लगा था चलो मेरे कुकड़ को मेरे उम्र गए और जाओ एक्सरसाइज पे जाना है उसकी तो आवाज ही नहीं आ रही थी अंदर से ली देखता है जीवन तो उसकी डेस्क पे सो गई थी अब वो जाता है और उसे कंबल उड़ा देता है इसका पीसी बंद करके वहां से जॉगिंग पे चले जाता है काफी खुश था पर जब वापस आता है तो जियन उससे बोलती है मेरा कंप्यूटर बंद किया था ये बोलता है कुछ प्रॉब्लम है क्या जियन बोलती है क्योंकि कुछ भी सेव नहीं हुआ जो मैंने लिखा था ये बोलता है पर मैंने तो सेव करके बंद किया था जियन बोलती है पर कहा है मुझे तो कुछ भी नहीं मिल रहा ली बोलता है देखो यही मिल जाएगा जीवन बोलती है तुमने मेरा दिमाग खराब करके रखा है अब उससे बोलता है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि डेस्क पे मत सोया करो बिजली का बिल ज्यादा आता है जियन बोलती है तुम भर रहे हो बिजली का बिल मैं भर रही हूँ तो तुम्हें क्या दिक्कत है इससे जीवन कहती है तुम क्यों मेरे काम में टांग गड़ाते रहते हो ली बोलता है इसमें बड़ी बात क्या है डाटा खो गया है तो दोबारा लिख लो जियन बोलती है क्या बोले तुम ली बोलता है जो टैलेंटेड राइटर होते हैं वो कभी भी इससे परेशान नहीं होते वो खुद लिख लेते हैं अरे वो बैठते हैं तो अपने आप शब्द लिखने लगते हैं तुम एक चिकन राइटर हो तुम्हें कुछ लिखना नहीं आता तुम मुर्गी हो मुर्गी कहती है फिर तुम जैसा महान इंसान मुझ जैसे मुर्गे से शादी क्यों करना चाहता है बताओ मुझे क्यों करनी है तुम्हें मुर्गे से शादी बोलता है तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए तुमसे शादी करना चाहता हूँ नहीं मुझे तो तुम पे तरस आता है इसलिए शादी करना चाहता हूँ छोटी सी हो ज़िद्दी हो पूरा घर गंदा रखती हो तो कौन करेगा तुमसे शादी इसलिए मैंने सोचा मैं ही तुमसे शादी कर लेता हूँ ये अच्छा भूल गए क्या मीनू अभी भी है बोली इसे बोलती है तुम चाहते थे ना मैं तुम्हारे प्रपोजल का आंसर दूँ तो सुनो मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली हूँ बेचारा ली तो हैरान हो जाता है और इसी के साथ हमारे सेकंड लास्ट पार्ट की एक्सप्लेनेशन यहीं पे कंप्लीट होती है बस अब इसका लास्ट पार्ट बचा है जो कि बहुत जल्द मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी तो आगे आने वाले ड्रामाज के लिए चैनल से जुड़े रहिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना थैंक्स फॉर वॉचिंग मिलते हैं बहुत जल्द